हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सिंपल गवार की सब्जी। गवार की सब्जी ये जो बहुत दिखने में भी सिंपल है और बनाना बहुत ही आसान है, बट इतना टेस्टी बना है कि मत पूछो। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा लग रहा है, डिलीशियस लग रहा है और बहुत टेस्टी बना हुआ है। इसे बनाने के लिए पहले मैं एक कढ़ाई में ऑयल लिया हुआ है, मैंने नॉर्मल कुकिंग ऑयल लिया है। आप चाहे तो राई का तेल यूज़ कर सकते हो अगर आप डेली यूज़ करते हो तो। अब मैं ऑयल में ऐड करूँगी राई, मस्टर्ड सीड्स ऐड कर दिया है थोड़ा सा। ये बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ सामान की भी ज़रूरत नहीं है। जो घर पे पड़ी हुई है वही सब सामान से मैं आज ये रेसिपी बना रही हूँ। ज़्यादा कुछ मसाले वगैरह भी ऐड नहीं कर रही हूँ। और इसमें मैंने ऐड कर दिया है एक ऑनियन, जो छोटे पीसेस में कट करके रखा हुआ था, उसे ऐड करके फ्राई करके ले रही हूँ। ऑनियन को अच्छे से फ्राई करके लेना है। तो यहाँ पे ऑनियन फ्राई हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनियन का हल्का कलर चेंज हो गया। तो अब मैं इस टाइम पे ऐड कर रही हूँ टमाटर। एक मैंने छोटा टमाटर को भी कट करके लिया हुआ था, तो इसे मैं ऐड करके लूँगी और फिर इसे फ्राई करके लूँगी। तो यहाँ पे टोमेटो भी फ्राई हो रहा है। मैंने गवार को छोटे पीसेस में कट करके रखा हुआ था, आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से मैंने कट करके धो के लिया हुआ है। तो ये मैं डायरेक्टली ऑनियन और टोमेटो जो हम फ्राई कर रहे थे उसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहे तो हल्का सा पानी छिड़क सकते हो, बट मैंने इसे पानी में धोया था तो थोड़ा बहुत पानी था, इसलिए मैं कुछ एक्स्ट्रा पानी छिड़कने नहीं गई हूँ। इसमें ज़्यादा पानी कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो वाटर ही हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। मैं हल्का सा ड्राई रख रही हूँ तो मैं इसमें कुछ पानी नहीं ऐड कर रही हूँ एक्स्ट्रा। फिर इसे ढक के पकाना है। ढकने के बाद 5 मिनट के बाद या फिर थोड़े टाइम के बाद हमें चलाते रहना है ताकि ये नीचे से नहीं पकड़े। तो यहाँ पे ये तो ऑलरेडी पक गया है, इसे मैंने 2 से 3 बार अच्छे से चला के लिया हुआ है। ये पकने के बाद मैं ऊपर से इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ स्वादानुसार, और मैं यहाँ पे ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर। मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली नहीं ऐड किया था, अगर आपको ग्रीन चिली ऐड करना है तो ग्रीन चिली ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है। इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करके ले रही हूँ। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो ये मिक्स करके ले रही हूँ मैं। तो ये मिक्स हो गया, अब मैं आखिरी में डालूँगी नारियल। नारियल जो पिसा हुआ नारियल था फ्रेश कोकोनट, उसे मैं ऐड कर रही हूँ। तो ये ऐड करने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साउथ इंडियंस तो नारियल के बिना कोई सब्जी नहीं बनाते, तो इस तरह से आप एक बार ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगा ऐसे सब्जी। और दाल चावल और ये सब्जी मिले तो बस बहुत ही मज़ा आएगा, टेस्टी खाना हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं नारियल ऐड करके इसे फ्राई करके, नारियल को ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं है, 2 से 3 मिनट ऐसे फ्राई कर लेंगे तो ये अपना सब्जी बन के रेडी है। ये सब्जी रेडी है, ये रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा। ये मैंने सर्व कर लिया है। तो यहाँ पे रेडी हो गया अपना गवार की सब्जी, बहुत ही अच्छा बना, बहुत डिलीशियस बना। हर साउथ इंडियन सब्जी ऐसे ही बनाते, इसमें कुछ ज़्यादा मसाला नहीं डालते हैं, ऐसे ही नारियल ही सिर्फ डालते हैं। मैंने ऊपर से थोड़ा सा नारियल गार्निश किया हुआ है अच्छा दिखने के लिए। प्लीज़ इसे बनाना ट्राई करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।